नमस्कार, मैं उद्वा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य, नहीं तो सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। दाखिल खारिज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने पर विभाग द्वारा एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बारिश के मौसम में डेंगू से बचाव के लिए करेगी उपाय। ओटीटी प्रोग्राम 36 डेज को लेकर नेहा शर्मा ने कही ये बात। बीएसएनएल और टाटा ने मिलाया हाथ, अब दूर होगी खराब नेटवर्क की शिकायत। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आगे आया बीसीसीआई। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट माइनिंग के पदों पर निकली भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जियोलॉजिस्ट और असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 56 पदों पर आई है। भर्ती प्रक्रिया 22 जुलाई से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को जरूरी है कि उनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य, नहीं तो सरकारी योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ। राज्य के किसी भी जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आधार कार्ड होने पर ही बच्चों की प्रविष्टि ई शिक्षा कोर्स पर की जा सकेगी। अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो ऐसे स्कूली बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ जैसे DBT, पाठ्यपुस्तक, पोशाक, FLN किट, AEP स्टूडेंट किट आदि लाभ नहीं मिल पाएगा और ये बच्चे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाएंगे। आधार कार्ड होने के साथ ही स्कूल के रजिस्टर में बच्चों के नाम और जन्मतिथि आधार कार्ड में दिए गए नाम और जन्मतिथि से मेल खाने चाहिए। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं का सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को डायरेक्ट लाभ मिले, इसके लिए आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना भी जरूरी है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे नालंदा महाविहार के बारे में। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 85.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने आए थे के लिए आए चीनी यात्री वेनसांग तथा इत्सिंग की यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक स्थलों पर घूमने का शौक रखने वाले यहां आ सकते हैं। दाखिल खारिज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार सरकार अब राज्य में दाखिल खारिज से जुड़ी समस्या को लेकर काफी एक्टिव हो गई है। दाखिल खारिज में जुड़ी समस्याओं में लापरवाही बरतने वालों पर राज्य सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। अकेले पटना जिले में दाखिल खारिज से जुड़े लंबित मामलों की संख्या 78,885 है। 21 दिनों से अधिक समय में 30,135 आवेदन और 63 दिनों में से अधिक समय में 39,182 आवेदन लंबित हैं। अब सरकार द्वारा विवादों के निपटारे के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। राजस्व मामले की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा अधिकारियों को चेतावनी देते हुए समय सीमा के अंदर दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के आवेदनों का निष्पादन करने को कहा गया है अथवा अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में इस बार इन उद्योगों को किया गया शामिल। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत इस बार विभाग ने आटा, सत्तू और बेसन से इतर कई नए उद्योगों को सहायता उपलब्ध कराए जाने वाले सूची में शामिल किया है। पूर्व की सूची में आटा, सत्तू और बेसन पहले नंबर पर रहता था, जबकि इस बार इससे अधिक प्राथमिकता नए उद्यमों को दी गई है। इस बार 5 नए उद्यमों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल किया गया है। इसमें LED बल्ब व बिजली से जुड़े उपकरणों से जुड़े उद्यमों के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिजली के बोर्ड व स्विच बनाने की यूनिट को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस बार जूट बैग व जूट से बनने वाले अन्य उत्पादों को भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत शामिल किया गया है।
वहीं इस बार सोया बरी को भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में शामिल किया गया है। आटा, सत्तू व बेसन बनाने वाले यूनिट पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर रेडीमेड वस्त्र तैयार करने वाली यूनिट शामिल है, जबकि इसके बाद आईटी क्षेत्र व होटल ढाबा का नंबर है। मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी करने पर विभाग द्वारा एजेंसियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन आपूर्ति में गड़बड़ी करने पर दोषी एजेंसियों या स्वयं सेवी संगठन को ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा और इसके साथ ही उसके मध्याह्न भोजन आपूर्ति का कार्य भी वापस लिया जाएगा। मध्याह्न भोजन के लिए निदेशक मिथिलेश मिश्र द्वारा शनिवार को समीक्षा बैठक के बाद ये निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। निर्देश में बच्चों को समय पर मेन्यू के हिसाब से भोजन आपूर्ति करने को कहा गया है। कोई भी कमी या गड़बड़ी पाई जाने पर एजेंसी या एनजीओ के खिलाफ तत्काल आर्थिक दंड लगाया जाएगा और अगर इसके बाद भी कार्य में सुधार नहीं होने पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। बारिश के मौसम में डेंगू से बचाव के लिए करेगी उपाय। बारिश के मौसम में डेंगू का खतरा पहले से और ज्यादा हो जाता है। ऐसे में इसे लेकर आईपीआरडी बिहार ने कुछ जानकारी साझा की है। इसमें बताया गया है कि डेंगू वाले मच्छर पानी में पनपते हैं, इसलिए आसपास में पानी जमा नहीं होने दें। कूलर या गमले में भी पानी जमा नहीं होने दें। टंकी को ढककर रखें। जहां पानी का जमाव है वहां मिट्टी तेल का छिड़काव करें। डेंगू हो जाने पर इसके लक्षण में तेज बुखार, सिर और बदन में दर्द और शरीर में चकत्ते हो सकते हैं। ध्यान रखें, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसलिए अपने शरीर को कपड़ों से ढककर रखें। खिड़की और दरवाजे पर जाली लगवा सकते हैं। मच्छर से बचाव के लिए शरीर पर क्रीम लगा सकते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप 104 पर कॉल कर सकते हैं। इंडो नेपाल सीमा में गंडक नदी में मिला विलुप्त प्रजाति का कछुआ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए सुखद खबर। इंडो नेपाल सीमा के अंतर्गत वाल्मीकि नगर के 9R डी पर इंडियन टेंट टर्टल, जो एक विलुप्त प्रजाति है, का कछुआ मिला है। इंडियन टेंट टर्टल अति संरक्षित जलीय जीव है, जिसकी तस्करी और घरों में रखने पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसे में इस प्रजाति का कछुआ गंडक नदी के किनारे मिलना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए बहुत सुखद खबर है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में कछुआ के इस विलुप्त हो रहे प्रजाति को शामिल किया गया है। वाल्मीकि नगर के 9R डी पर मिले संरक्षित कछुए की जानकारी देते हुए वन्य जीव विशेषज्ञ VD संजू ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि VTR में इंडियन टेंट टर्टल का मिलना काफी सुखद है। बिहार के इन शहरों में रेलवे ने लिए ट्रेन रेस्टोरेंट खोलने का फैसला। इस दिन से होगी शुरुआत। भारतीय रेलवे द्वारा अनोखी पहल शुरू की गई है। ट्रेन के पुराने कोच को रेलवे द्वारा रेस्टोरेंट में बदलने का निर्णय लिया गया है। आप जिस भी क्षेत्र में रहेंगे इस रेस्टोरेंट में उस क्षेत्र के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। जानकारी के अनुसार ये रेस्टोरेंट बाहर से रेल कोच जैसा दिखेगा, लेकिन अंदर से इसका लुक बिल्कुल रॉयल होगा और इसमें लोकल व्यंजनों के साथ संबंधित इलाके की खास मिठाइयाँ भी उपलब्ध रहेंगी। सबसे पहले झाझा रेलवे स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट चालू किया गया है। दानापुर रेल मंडल की ओर से दानापुर, राजेंद्र नगर, पाटलिपुत्रा आरा और बक्सर स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह का सर्वे शुरू कर दिया गया है। आरा और दानापुर स्टेशन पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है, जबकि अन्य स्टेशनों पर भी अगस्त में सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद अक्टूबर में टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। OTT प्रोग्राम 36 डेज को लेकर नेहा शर्मा ने कही की बात। नेहा शर्मा इलीगल साइनिंग विद द शर्मा जैसी वेब सीरीज के बाद अब 36 डेज को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है। इस सीरीज में नेहा फराह के किरदार में नजर आएंगी। इस सीरीज को लेकर नेहा शर्मा ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी सोचा था कि मैं एक ग्रे किरदार निभा सकती हूँ। इसलिए जब मेकर्स ने 36 डेज के लिए मुझसे बात की तो मैं एक्साइटेड हो उठी। मैंने ओरिजिनल BBC शो 35 डेज का थोड़ा सा हिस्सा देखा था और ये बिल्कुल दिमाग घुमाने वाला था। जब उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चुना तो मैं इसका हिस्सा बनने के लिए बेताब थी। इस प्रोजेक्ट में शामिल होने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि इस शो को लेकर दर्शक कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वे इसका आनंद लेंगे। BSNL और टाटा ने मिलाया हाथ, अब दूर होगी खराब नेटवर्क की परेशानी। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए हैं, तब से लोग BSNL की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसी बीच BSNL पर जीतने से जितने अधिक लोग भरोसा जता रहे हैं, BSNL भी उनके भरोसे को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच BSNL अब और रफ्तार पकड़ सकता है, क्योंकि BSNL और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बीच करीब 15,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। टाटा और BSNL दोनों ही मिलकर भारत के करीब 1,000 गाँव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगे। ऐसे में जो लोग BSNL के खराब नेटवर्क की शिकायत कर रहे थे, अब उनकी ये शिकायत भी जल्द दूर हो सकती है।
श्रद्धालुओं के लिए श्रावणी मेले में चलेगी स्पेशल ट्रेन। 22 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। बिहार के श्रद्धालुओं को भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम और झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ तक ले जाने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे द्वारा बिहार के विभिन्न स्टेशनों से भागलपुर, सुल्तानगंज, जसीडीह और देवघर तक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही इस रूट से गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों का सुल्तानगंज में ठहराव भी दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई तक रेलवे द्वारा श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की जा सकती है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल तैयार। राज्य में सक्षमता परीक्षा पास कर चुके 1,87,818 नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इसके लिए शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की काउंसलिंग और फिर पोस्टिंग की जाएगी। पदस्थापन होते ही शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा ये जानकारी दी गई है। काउंसलिंग के लिए निर्धारित शेड्यूल भी जल्द ही घोषित किया जाएगा। इस महीने में पशुपालकों को ध्यान देने योग्य बातें। जुलाई महीने में पशुपालकों को कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। इससे संबंधित जानकारी सोशल मीडिया के जरिए पशुपालन निदेशालय द्वारा साझा की गई है। 10 जुलाई महीने में पशुओं में परजीवी और बाह्य परजीवी का प्रकोप देखने को मिलता है, इसलिए इनसे संबंधित रोगों से बचाव की जरूरत है। साथ ही पशुओं के चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का ये समय सबसे उचित है। पशुओं के चारा के लिए आप प्रति एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम बीज डाल सकते हैं। बिहार में मानसून का असर धीमा पड़ते ही सता रही उमस वाली गर्मी। बिहार में मानसून का असर अब धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर झमाझम बारिश तो कई जगहों पर बारिश के बाद उमस की स्थिति बनी हुई है। मानसून का असर धीमा पड़ने से लोग उमस वाली गर्मी से अब परेशान हैं। आज भी प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि किशनगंज में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के सीआरपीएफ जवान की मणिपुर में उग्रवादियों के हमले से हुई मौत। मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले में बिहार के रहने वाले जवान की मौत हो गई। शहीद हुए जवान का नाम अजय कुमार झा है और इनकी उम्र करीब 43 वर्ष है। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान थे। ये मणिपुर में पोस्टेड थे। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक इनके सिर में गोली लगी थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि यहाँ पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दी। पटना के ताज होटल में होगा बिहार बिजनेस कनेक्ट टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। बिहार सरकार द्वारा लगातार राज्य में औद्योगिक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए 11 और 12 दिसंबर 2024 को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन उद्योग विभाग की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले उद्योग विभाग द्वारा अलग अलग शहरों में निवेशकों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में पटना में 18 से 19 जुलाई को बिहार बिजनेस कनेक्ट टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन पटना के ताज सिटी सेंटर होटल में किया जाएगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौड्रिक द्वारा उनके आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी गई है। इस मीट में देश भर से लोग लगभग 50 से अधिक गारमेंट्स बनाने वाले प्रतिष्ठित कंपनियाँ भाग लेंगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर जीतनराम मांझी के बयान पर राजद का पलटवार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर राज्य और केंद्र की राजनीति गर्म है। जदयू बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार कर रहा है, तो वहीं जीतनराम मांझी ने नीति आयोग के हवाले से कहा है कि बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग बेमानी है, क्योंकि नीति आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने को कहा है। तो वहीं अब केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के बयान पर राजद ने पलटवार किया है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि भाजपा के लोग जीतनराम मांझी को बरगला रहे हैं और उनसे बयान दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू को इस पर चुप्पी तोड़नी चाहिए कि आखिर बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर उन्हीं के गठबंधन दल के नेता क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ जदयू बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है, दूसरी तरफ मांझी जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर कुछ से कुछ बोल रहे हैं। भू सुधार मंत्री ने राजस्व कर्मचारियों, दलालों और भू माफियाओं को लेकर जताई चिंता। राजस्व एवं भू सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने राजस्व कर्मचारी, मुंशी और भू माफियाओं को लेकर चिंता जताई है।
इन्होंने कहा है कि राजस्व कर्मचारी और उनके नीचे स्तर के मुंशी और दलालों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर स्थिति को गंभीर बना दिया है। गरीब लोगों का भी कोई काम बिना पैसे के नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग अंचल स्तर के कर्मियों के भ्रष्टाचार की शिकायतें लेकर आ जा रहे हैं। ये सभी बातें मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपर समाहर्ता बैठक के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी कुर्सी किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी। अपेक्षा है कि आप भी ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे। अनंत और राधिका की शादी में शामिल हुए लालू परिवार की तस्वीर आई सामने। देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से हुई है। इस शादी समारोह में एक से एक बड़ी हस्तियों को निमंत्रण मिला था। इसमें बिहार से लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार भी शामिल रहा। इस शादी समारोह में शामिल होने के बाद लालू परिवार की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप, बहू राजश्री, उनकी बेटियां मिसा भारती और अन्य लोग नजर आ रहे थे। शादी समारोह में लालू परिवार का स्वागत मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी और उनकी पत्नी ने किया था। सोशल मीडिया पर लालू परिवार की तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। बिहार में चार और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर हुई तैयारी तेज। रुपौली विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आते ही सभी पार्टियां बिहार में चार और सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ये सीटें वैसी सीटें हैं जो चार विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं। इनमें तरारी, रामगढ़, जहानाबाद और इमामगंज विधानसभा सीट शामिल है। इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एनडीए की ओर से सीटों का बंटवारा भी किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी रामगढ़ और तरारी से अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि जहानाबाद विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की ओर से उम्मीदवार उतारा जाएगा। वहीं इमामगंज सीट पर जीतनराम मांझी की हम अपनी प्रत्याशी उतारेगी। वहीं आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर 18 जुलाई को पटना में एनडीए की अहम बैठक होनी है। इसमें पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आने का कार्यक्रम था, जो स्वास्थ्य कारणों की वजह से रद्द हो गया। अब इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान या सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी में से किसी एक के आने की संभावना है। इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आगे आया बीसीसीआई। अंशुमन गायकवाड़ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और पूर्व कोच रह चुके हैं। अभी एक गंभीर बीमारी ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए बीसीसीआई भी आगे आ चुकी है। दरअसल कई पूर्व क्रिकेटरों ने इनसे आर्थिक मदद की मांग की थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए अंशुमन के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही अंशुमन गायकवाड़ के इलाज के लिए फंड भी जुटाने का ऐलान किया है। जारी हुए बयान के मुताबिक बोर्ड इस मुश्किल घड़ी में गायकवाड़ परिवार के साथ खड़ा है और उन्हें ठीक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करने को तैयार है। बीसीसीआई अंशुमन की हेल्थ पर नजर रखें और उनके इलाज के बारे में लगातार जानकारी हासिल कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस मुश्किल घड़ी में से मजबूती के साथ वापसी करेंगे। अंशुमन का इलाज फिलहाल लंदन में चल रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1911 में आमेर के राजा और मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति जय सिंह का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1883 में प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी जमशेद जी जीजा भाई का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1926 में बॉम्बे में पहली मोटर बस सेवा की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1937 में हिंदी के जाने माने पत्रकार प्रभास जोशी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1984 में पंजाब में सिख समुदाय के अशांत होने के बाद पंजाब को आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे कृषि मंत्रालय को लेकर वायरल हो रहे इस खबर के बारे में। राष्ट्रीय विकास योजना ऑर्गेनाइजेशन नाम के वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मंत्रालय द्वारा कई पदों पर जॉब के लिए वैकेंसी आई है, जिसका आवेदन शुल्क 1675 रुपये बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये वेबसाइट ही पूरी तरह से फर्जी है, साथ ही इस वेबसाइट पर किया जा रहा दावा भी झूठा है। मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस तरह के फर्जी वेबसाइट के चक्कर में आप ठगी के शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए इस तरह की खबरों को की बिना सत्यता जांच के विश्वास करने से बचें। क्लैट 2025 के लिए आज से शुरू होने जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2025 के लिए 15 जुलाई 2024 से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
परीक्षा इस साल के अंत में 1 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2024 है। बता दें कि क्लैट 2025 के लिए आवेदन करने वाले जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 4000 और SC/ST PWD उम्मीदवारों के लिए 3,3500 रुपये है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 जुलाई, ऑप्शन बी है 8 जुलाई, ऑप्शन सी है 10 जुलाई, ऑप्शन डी है 11 जुलाई। इसका सही उत्तर है 11 जुलाई। हाल ही में किस देश की महू चीख ने 1987 का महिला ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है यूक्रेन। हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है? ऑप्शन है शंकर नारायण, ऑप्शन बी है सुभाष गुप्ता, ऑप्शन सी है राकेश रोशन, ऑप्शन डी है प्रतीक गुप्ता। इसका सही उत्तर है शंकर नारायण। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बिहार शरीफ, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है सासाराम। इसका सही उत्तर है सासाराम। बिहार में किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन है श्री कृष्णा सिंह, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है संजीव कुमार, राजकिशोर महतो, वरुण कुमार, उमेश ऋषिदेव, अंशु कुमारी, मंटू कुमार, मोतीलाल कुमार, मोहम्मद असगर कमाल, विनय कुमार, पूनम लता, नुन्नू गोलू कुमार, गोपाल कुमार, पंकज कुमार दास, छोटू राजा, मंजीत कुमार, अंजनी कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके अंचल में भी भ्रष्ट अधिकारियों या दलालों के कारण लोगों को जमीन से संबंधित काम करवाने में परेशानी होती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।